इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 107 साइंस बायो के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ GK पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 107 ह्यूमन ब्लड, जो कि बायो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम से पहले ये सभी 107 क्वेश्चंस अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो सही आंसर इसका हेमेटोलॉजी बोलते हैं ब्लड की स्टडी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ब्लड डू नॉट कॉगुलेट इनसाइड द बॉडी और इन ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर इसका हेपरिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मतलब ये था फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड वेसल के अंदर कभी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? तो फ्रेंड्स का आंसर है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी कॉगुलेटिंग एजेंट होता है जिसको हम हेपरिन बोलते हैं, इस कारण से जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जमता नहीं है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, जो ब्लड प्रेशर है इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो सही आंसर है स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेड ब्लड कॉप्स्यूल। फ्रेंड्स, जो RBC है जिसको हम रेड ब्लड कॉप्स्यूल या रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर है एरिथ्रोसाइट, जो है वो RBC का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल और WBC। फ्रेंड्स, जो WBC है जिसे कि हम व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल या व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो आंसर इसका ल्यूकोसाइट जो है वो WBC या व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर इसका थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। फ्रेंड्स, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे कि हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं? तो आंसर है, जो AB ब्लड ग्रुप होता है फ्रेंड्स, इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। फ्रेंड्स, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे कि हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? तो आंसर इसका, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट एबुडेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका, जो रेड ब्लड सेल है जिसे हम RBC भी बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल है। फ्रेंड्स, आपने ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपको एरिथ्रोसाइट्स भी दिया हो सकता है या आपको रेड ब्लड सेल भी दिया हो सकता है, फ्रेंड्स दोनों एक ही चीज़ है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का लेते हैं, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। फ्रेंड्स, हमारा जो खून होता है उसका कलर लाल रंग का होता है, मतलब रेड कलर का होता है, वो किस कारण से होता है? तो आंसर इसका, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा ब्लड है फ्रेंड्स वो रेड कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ इन RBC। RBC जिसे कि हम रेड ब्लड कॉप्स्यूल भी बोलते हैं और एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितना RBC है? तो आंसर है हेमोसाइटोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ RBC। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी बाय। फ्रेंड, जो ऑक्सीजन है इसका फ्रेंड जो सिंबल होता है वो O2 होता है, ये हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका, ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। फ्रेंड, जो ब्लड कैंसर बीमारी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है, ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, RH फैक्टर इज रिलेटेड विद विच एनिमल। फ्रेंड, जो RH फैक्टर है ये किस एनिमल से जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका, जो मंकी होता है उससे रिलेटेड है RH फैक्टर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको फ्रेंड्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन ब्लड टॉपिक में बन सकता है सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। मतलब फ्रेंड्स, जहां तक टीचर ना पेपर सेट करते टाइम सो सकता है वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख लेना, अगर आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लिए ना, एग्जाम में आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड। फ्रेंड, जो pH, जो ब्लड का जो pH होता है वो कितना होता है? तो आंसर इसका, 7.4 जो है वो pH होता है ब्लड का। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें pH की, pH का फ्रेंड जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे लिख देता हूं, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है फ्रेंड्स ये pH का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें pH की, इससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी जो हमारे पास फ्रेंड्स सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, या बेसिक है या न्यूट्रल है। यहाँ पर लिख देता हूँ, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। फ्रेंड्स, जो pH मीटर होता है कुछ इस तरह का होता है, मैं बना के बताता हूँ।
सेंटर में फिर सेवन आता है और ये जीरो से लेके 14 तक जाता है, ठीक है। फिर अगर सेवन की हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वो एसिडिक शो करेगा, और सेवन की अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो हमें बेसिक शो करेगा। फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि सेवन से जितना दूर जाएगा ना कोई भी चीज़, जैसे 14 तक जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा हाईली बेसिक होगा, ठीक है। और कोई चीज़ अगर सेवन से ज़्यादा दूर जाएगी मतलब जीरो वन या टू होगा तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि वो जब से ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स पीएच के बारे में था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, विच मेटल इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। फ्रेंड्स जो हमारा खून होता है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आंसर इसका आयरन पाया जाता है। और फ्रेंड जो आयरन होता है इसका सिंबल होता है Fe। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, विच ब्लड सेल हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज। फ्रेंड्स हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड सेल होता है जो कि इन्फेक्शन और डिजीज से फाइट करने में हेल्पफुल होता है, तो आंसर है WBC जो होता है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं या बोलो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल बोलते हैं, वो हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, वट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, तो आंसर इसका 120/80 mm ऑफ Hg जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 19, द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी वेयर नो ब्लड इज फाउंड। हमारी बॉडी का वह कौन सा पार्ट है जहाँ पर बिल्कुल भी खून नहीं पाया जाता, मतलब बिल्कुल ब्लड नहीं पाया जाता, तो आंसर है हमारे आई का जो फ्रेंड्स जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वहाँ पर कोई भी ब्लड नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, व्हेन पर्सन इज स्लीपिंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ RBC। फ्रेंड्स जब कोई भी पर्सन सो रहा होता है तो जो उसकी RBC की जो काउंटिंग होती है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, तो आंसर है जो RBC है फ्रेंड्स वो कम हो जाते हैं जब भी इंसान सो रहा होता है। और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स जो RBC होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल या बोलो रेड ब्लड सेल या बोलो एरिथ्रोसाइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 107 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं साइंस के। जब आपके फ्रेंड्स ये 107 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैंने आपके दो क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, मतलब जब मैं आपको ये 107 क्वेश्चंस करवा दूंगा रिवाइज, उसके बाद मैंने आपके दो क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स जो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे आंसर कमेंट करके देंगे उनको मैं एक GK की बुक गिफ्ट करने वाला हूं, तो फ्रेंड्स आप सभी ने कमेंट जरूर करना है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन RBC एज वी गो टू हाई अल्टीट्यूड। कभी भी हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो RBC होता है मतलब जो हमारा रेड ब्लड सेल है या रेड ब्लड कॉप्सूल बोल लो, उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो आंसर इसका नंबर ऑफ RBC जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं जब भी हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC का जो ग्रेवयार्ड है वो किसे कहा जाता है, तो आंसर इसका स्प्लीन जो होता है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी आपको ऑप्शन में लीवर भी दिया हो सकता है, तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, वैसे ज़्यादातर आपको स्प्लीन ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, तो आंसर इसका स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC। जो RBC होता है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आंसर है 120 डेज होता है लाइफ स्पैन ऑफ RBC। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल होता है, तो आंसर इसका फाइब्रिनोजन जो होता है ये हेल्पफुल होता है प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, व्हाट इज द टू मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का जो दो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो आंसर इसका प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्यूल। फ्रेंड्स जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है हमारे ब्लड में, और जो ब्लड कॉर्पस्यूल होता है फ्रेंड्स ये 45% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, नेम द थ्री टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्यूल। ब्लड कॉर्पस्यूल की तीन टाइप्स कौन सी होती हैं, तो नंबर वन है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, और ये है RBC। नंबर टू पे है WBC जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल या बोलो व्हाइट ब्लड सेल। एंड थर्ड नंबर पे आता है ब्लड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, नेम द फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। हमारे बॉडी में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो आंसर है फोर टाइप्स के होते हैं, ये है AB, AB एंड O। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, तो आंसर इसका इट इज़ अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो इस तरह का फ्लूड है और जो कि कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम ब्लड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, उसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है प्लाज्मा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। फ्रेंड जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसका कलर कौन सा होता है, तो आंसर इसका येलो कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं,
कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड. फिर देखो मैंने आपको बताया जो प्लाज्मा होता है ब्लड का जो पार्ट है प्लाज्मा उसका कलर येलो होता है. तो येलो क्यों होता है क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट होता है. तो आंसर है बिलुब्रिन के कारण जो प्लाज्मा है उसका कलर येलो होता है. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इवन यूपीएससी में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. तो फ्रेंड्स आप ये देख लो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ ना सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, काफी ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में जरूर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं. इन अडल्ट पर्सन वेयर आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड. अडल्ट पर्सन में जो आरबीसी होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है. तो आंसर है बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है आरबीसी अडल्ट पर्सन में. क्वेश्चन 34 कर लेते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट आरबीसी. हमारे ब्लड का जो सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी है वो कौन सा है. तो आंसर है मस्क डियर. और मैंने आपको बताया जो आरबीसी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या बोलो रेड ब्लड कॉप्स्यूल. क्वेश्चन 35 कर लेते हैं. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी. जो डब्ल्यूबीसी है इसका दूसरा नाम कौन सा क्या है. तो आंसर है ल्यूकोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है. क्वेश्चन 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी. व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी द रेशियो डब्ल्यूबीसी. फ्रेंड्स जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है. तो आंसर है 600:1. फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, वो आपसे पूछेगा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो क्या होता है. तो फ्रेंड्स आपने वहां पे ध्यान रखना है, वहां पे आपको ऑप्शन पे टिक करना है 1:600. यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, मतलब पहले आरबीसी था ना इसलिए मैंने यहाँ पे 600:1 लिखा है. अगर पहले डब्ल्यूबीसी पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आपने लिखना है 1:600. ठीक है. क्वेश्चन 37 कर लेते हैं. नेम द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी. ब्लड में जो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है वो कौन सा होता है. तो आंसर है मोनोसाइट्स. क्वेश्चन 38 नेम द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी. जो हमारा ब्लड होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है. तो आंसर है लिम्फोसाइट जो होता है वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है हमारे ब्लड में. क्वेश्चन नंबर 39 का लेते हैं. विच टाइप ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. हमारे बॉडी में वह कौन सा टाइप का ब्लड है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो आंसर है ब्लड प्लेटलेट्स. क्वेश्चन नंबर 40 हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन. फ्रेंड्स हमारे जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसे किसने इन्वेंट किया था, मतलब किसने डिस्कवर किया था. तो आंसर है लैंडस्टीनर जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को. क्वेश्चन 41 कर लेते हैं. नेम द विटामिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. वह कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो आंसर इसका विटामिन के जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ब्लड क्लॉटिंग में. क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं. नेम द नेचुरल एंटीकोगुलेटिंग एजेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन. हमारे बॉडी में वह कौन सा नेचुरल एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है जो पाया जाता है. तो आंसर इसका हेपरिन. क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है. तो आंसर है 7-8% ऑफ बॉडी वेट. मतलब हमारे बॉडी के वेट का 7-8% ब्लड पाया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में. क्वेश्चन 44 कर लेते हैं. हाउ मच लेस ब्लड प्रेजेंट इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल. फ्रेंड्स महिलाओं की बॉडी में कितना कम खून पाया जाता है अगर हम कंपेयर करें पुरुषों से. तो आंसर इसका आधा लीटर कम पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी. आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है. तो आंसर है बाइकनकेव शेप होता है आरबीसी का. क्वेश्चन 46 कर लेते हैं. व्हाट इज द स्टेट ऑफ ब्लड. ब्लड जो होता है उसका स्टेट कैसा होता है. तो आंसर इसका विस्कस स्टेट होता है ब्लड का. क्वेश्चन 47 कर लेते हैं. आरएच फैक्टर वाज इनिशियली फाउंड इन. फ्रेंड्स जो आरएच फैक्टर है जिसे कि हम रिसेस फैक्टर भी बोलते हैं वो इनिशियली कहां पर पाया गया था. तो आंसर है रिसेस मंकी में पाया गया था. क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड. फ्रेंड्स ब्लड को फिल्टर करना आर्टिफिशियल किडनी से उसे हम क्या बोलते हैं. तो आंसर इसका इसको हम बोलते हैं डायलिसिस. क्वेश्चन 49 कर लेते हैं. नेम द फ्लूड दैट इज लेफ्ट आफ्टर क्लोटिंग. फ्रेंड्स वो कौन सा फ्लूड है जो कि क्लोटिंग के बाद बच जाता है. तो आंसर है उसको हम बोलते हैं सीरम. ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है. क्वेश्चन 50 कर लेते हैं. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. जो प्लाज्मा होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है. तो आंसर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. जो प्लाज्मा होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है. तो आंसर इसका इसमें 90% वाटर होता है, 8% प्रोटीन्स होता है एंड जो रिमेनिंग है फ्रेंड्स वो ग्लूकोज इलेक्ट्रोलिसिस एंड हार्मोन्स होते हैं. फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना कभी कभी आपको ऑप्शन में 91% वाटर भी दिया हो सकता है. क्वेश्चन 52 कर लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैम इन हीमोग्लोबिन. फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन है ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक बना है हीमो प्लस ग्लोबिन. फ्रेंड्स में जो हीमो वाला पार्ट है इसका मतलब होता है आयरन. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है. क्वेश्चन 53 कर लेते हैं. नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन. वह कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन जो है ह्यूमन्स में वो डिस्कवर किया था. तो आंसर है इसका विलियम हार्वे. क्वेश्चन 54 कर लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन. फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी बताया जो हीमोग्लोबिन है दो वर्ड से मिलकर बना है हीमो प्लस ग्लोबिन. हीमो का मतलब मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है आयरन.
और फ्रेंड जो ग्लोबिन है इसका मतलब होता है प्रोटीन, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन 55 का लेते हैं, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर इसका एनीमिया होती है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 का लेते हैं, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एक्सेस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर इसका पॉलीसाइथीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन के एक्सेस के कारण होता है। क्वेश्चन 57 कर लेते हैं, इन न्यू बॉर्न बेबी आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड एट, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो एडल्ट होता है वहाँ पे जो आरबीसी है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं फ्रेंड्स उसमें जो आरबीसी होता है फ्रेंड्स वो लीवर पर प्रोड्यूस होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे न्यू बॉर्न बेबी पूछा जाए तो आपने लीवर पर टिक मारना है अपने एग्जाम में। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल शेप इज सिमिलर टू अमीबा, वो कौन सा ब्लड टाइप का ब्लड सेल है जिसका जो शेप है वो अमीबा की तरह होता है, तो आंसर है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल भी बोलते हैं और व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं, वेयर फॉर्मेशन ऑफ WBC अकर्स, WBC जो है हमारी बॉडी में कहाँ पर फॉर्म होता है, तो आंसर है बोन मैरो और लिम्फ नोड पर WBC की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इज डैश इन RBC, तो आंसर है जो न्यूक्लियस है वो RBC या जिसे हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं उसमें एबसेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का लेते हैं, न्यूक्लियस इज डैश इन WBC, तो उसका आंसर है प्रेजेंट होता है, मतलब जो वाइट ब्लड सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 62 का लेते हैं, न्यूक्लियस इज डैश इन ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एबसेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, जो WBC है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आंसर है 5 to 20 days होता है WBC का लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आंसर है 3 to 5 days होता है प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, तो आंसर है 4 to 10 minutes। क्वेश्चन नंबर 66 का लेते हैं, वाई ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, फ्रेंड जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, तो आंसर इसका बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, मतलब उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता इसलिए फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, वाई ब्लड ग्रुप AB इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर, जो ब्लड ग्रुप AB है उसे यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है, तो आंसर इसका बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, मतलब उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता AB में इसलिए इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर का हाथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का लेते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, फ्रेंड्स वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है और जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो आंसर इसका उसको हम बोलते हैं हेमोपोइसिस और हेमोटोपोइसिस, ठीक है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया ये भी। क्वेश्चन 69 कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड कॉप्स्यूल, तो आंसर इसका 3 types। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो आंसर इसका 4 types के पाए जाते हैं। क्वेश्चन 71 का लेते हैं, विच सेल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज, हम बॉडी ब्लड का वह कौन सा सेल होता है जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इसका WBC, इसको हम व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल भी बोलते हैं और व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 72 का लेते हैं, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, फ्रेंड जो प्लाज्मा होता है उसमें अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो क्या हो बचता है, तो आंसर इसका सीरम बचता है। क्वेश्चन नंबर 73 का लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल राइज इन RBC काउंट, फ्रेंड जो RBC होता है हमारी बॉडी में उसमें अगर एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मली वो बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज इफ नंबर ऑफ RBC डिक्रीजेस, फ्रेंड अगर RBC की जो संख्या है वो डिक्रीज हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो आंसर है ग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 76 का लेते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोसाइट, जो फ्रेंड WBC होता है जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, उसका कलर कैसा होता है, तो आंसर है कलरलेस होता है, मतलब कोई भी कलर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 77 का लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज राइज इन नंबर ऑफ WBC, फ्रेंड अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं अगर WBC की संख्या जो है बढ़ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 78 का लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, अगर WBC की संख्या कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका उसे हम बोलते हैं लीकोपेनिया।
क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की जो संख्या वो बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है और आप ये चाहते हो कि आप दिल्ली ना जाओ, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा रवि स्टडी आई क्यू मैथ्स। अगर फ्रेंड्स आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपको आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी आई क्यू इंग्लिश। अगर फ्रेंड्स आपने रीजनिंग पढ़नी है तो आपको फ्रेंड्स इसी चैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स तीन चैनल है, रवि स्टडी आई क्यू मैथ्स, रवि स्टडी आई क्यू इंग्लिश और रवि स्टडी आई क्यू जीके, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है और आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको दिल्ली आकर कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, विच डिजीज इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीजेज, वो कौन सा डिजीज है जिसे कि क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इसका हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, फिर जो न्यूट्रोफिल्स हैं जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आंसर इसका बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना खून पाया जाता है, तो आंसर इसका 4.5 से 5.5 लीटर खून पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, विच ऑर्गन फिल्टर्स द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, वह कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, तो आंसर इसका स्प्लीन जो होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। फ्रेंड्स कभी कभी आपको ऑप्शन में किडनी भी दिया हो सकता है, ज़्यादातर आपको स्प्लीन ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, फ्रेंड्स जो हमारा खून होता है उसमें जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो शुगर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो आंसर इसका ग्लूकोज पाया जाता है। क्वेश्चन 86 कर लेते हैं, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ, फ्रेंड्स जो ल्यूकोमिया है जिसको कि हम ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं उसमें एबनॉर्मल किस चीज़ का इंक्रीज होता है, तो आंसर इसका वाइट ब्लड सेल का जिसको हम WBC भी बोलते हैं उसका एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है ब्लड कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 87 का लेते हैं, विच टाइप ऑफ ब्लड क्रॉप्स्यूल इज कॉल्ड अ सोल्जर ऑफ बॉडी, फ्रेंड्स वो कौन से टाइप का ब्लड क्रॉप्स्यूल है जिसे कि सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है वाइट ब्लड सेल जिसे कि हम WBC भी बोलते हैं इसे सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच ब्लड सेल्स कॉज डिजीज एनीमिया, फ्रेंड्स किस ब्लड सेल की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है, तो आंसर इसका RBC की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 89 का लेते हैं, लिम्फ इज एक्सप्रेस्ड, फ्रेंड्स जो लिम्फ है वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आंसर इसका लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस RBC, मतलब अगर हम ब्लड में से RBC को माइनस करते हैं तो फ्रेंड्स वो लिम्फ होता है, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं प्लाज्मा में अगर हम WBC ऐड कर दें तो वो लिम्फ की वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 90 का लेते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रीसस इनकम्पैटिबिलिटी डिजीज इज कॉल्ड एज, फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है क्योंकि रीसस इनकम्पैटिबिलिटी के कारण, ठीक है, तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का लेते हैं, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो आंसर है ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 92 को लेते हैं, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, तो आंसर इसका ए बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 93 को लेते हैं, हाउ मच ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट, हमारी किडनी से हर मिनट कितना ब्लड फ्लो करता है, तो आंसर इसका 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड फ्लो करता है पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 94 को लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है, तो आंसर इसका सीरम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का लेते हैं, इन ब्लड कॉकुलेशन प्रोसेस विच कैटाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो आंसर इसका कैल्शियम आयन या फिर आप बोलो Ca2+, जो कि फ्रेंड्स कैल्शियम का सिंबल होता है। क्वेश्चन 96 का लेते हैं, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, फ्रेंड्स ब्लड हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर इसका इशीमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का लेते हैं, ड्यूरिंग ब्लड कॉगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय, फ्रेंड्स ब्लड कॉगुलेशन में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो आंसर इसका डैमेज ब्लड वेसल्स एंड सराउंडिंग टिश्यू से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज होता है ब्लड कॉगुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 98 का लेते हैं, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड व्हेन डैश, फ्रेंड्स जो हाइपरटेंशन जो टर्म है वो कब यूज होता है, तो आंसर इसका जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब हम हाइपरटेंशन टर्म को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RH इन RH फैक्टर, RH फैक्टर में जो RH जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका आंसर इसका मतलब होता है रीसस, इसका फुल फॉर्म होता है रीसस। क्वेश्चन नंबर 100 का लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है उसका एवरेज लाइफ कितना होता है, तो आंसर इसका 10 डेज होता है।
क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं, विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो आंसर इसका एड्रिनल हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 102 कर लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ WBC रेशियो प्लेटलेट्स इन ब्लड, फिर जो WBC है जैसे कि हम ब्लड वाइट ब्लड सेल बोलते हैं और जो प्लेटलेट्स होता है इनका रेशियो क्या होता है, तो आंसर है 1:40 होता है। फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 1:44 भी दिया हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपसे फ्रेंड्स ये पूछेंगे, जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछेंगे कि जो ल्यूकोसाइट्स होता है जो थ्रोम्बोसाइट था इनका रेशियो क्या होता है, तो आपका आंसर ये होगा 1:40 होता है। क्वेश्चन 103 कर लेते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आंसर इसका 3 to 20 days होता है लाइफ स्पैन WBC का, यानी कि वाइट ब्लड सेल का। क्वेश्चन 104 कर लेते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आंसर है 8 to 9 days। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, व्हाट इज द स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड रेड ब्लड सेल, फ्रेंड्स जो डोनेटेड जो भी कोई पर्सन जो ब्लड डोनेट करता है रेड ब्लड सेल उसका स्टोरेज लाइफ कितना होता है, तो आंसर इसका 35 to 42 days होता है। क्वेश्चन 106 कर लेते हैं, व्हाट इज द स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड प्लेटलेट्स, जो डोनेटेड प्लेटलेट्स होता है उसका स्टोरेज लाइफ कितना होता है, तो आंसर इसका 5 days होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, इन आवर बॉडी मोस्ट ऑफ द गोल्ड फाउंड इन, फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में 0.2 mg गोल्ड पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आंसर इसका हमारे ब्लड में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैंने आपको 107 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 107 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिवीजन, उसके बाद दो क्वेश्चन का फ्रेंड्स ये टेस्ट है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिवीजन। फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, राइट आंसर इज हेमेटोलॉजी। ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड डू नॉट कॉगुलेट इनसाइड द बॉडी और इन ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, राइट आंसर इज हेपरिन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, राइट आंसर इज फाइग्मोमैनोमीटर। What is the other name of red blood corpuscle? Right answer is erythrocyte. What is the other name of white blood corpuscle? Right answer is leukocyte. What is the other name of blood platelets? Right answer is thrombocytes. Which type of blood is called as universal recipient? Right answer is AB. Which type of blood is called as universal donor? Right answer is O. Which type of cell is most abundant in human body? Right answer is red blood cell, RBC or erythrocyte. Red color of blood is due to presence of. Right answer is hemoglobin. Which instrument is used to count the number of RBC? Right answer is hemocytometer. Oxygen is transferred in human body by. Right answer is blood. What is the other name of blood cancer? Right answer is leukemia. RH factor is related with which animal? Right answer is monkey. What is the pH of blood? Right answer is 7.4. Which metal is present in our blood? Right answer is iron, Fe. Which blood cell help to fight infection and diseases? Right answer is WBC or white blood cell. What is the normal blood pressure of human body? Right answer is 120/80 mmHg. The only part of body where no blood is found is? Right answer is eye, cornea. When person is sleeping, what is the effect on number of RBC? Right answer is it reduces. What is the effect of on RBC as we go to high altitude? Right answer is number of RBC increases. What is called as graveyard of RBC? Right answer is spleen. Which organ is called blood bank of human body? Right answer is spleen. What is the lifespan of RBC? Right answer is 120 days. Which protein helps in blood clotting? Right answer is fibrinogen. What is the two main parts of blood? Right answer is plasma 55% and blood corpuscle 45%. Next question, name the three types of blood corpuscle. Right answer is red blood corpuscle, RBC, white blood corpuscle, WBC and blood platelets. Name the fourth type of blood group. Right answer is A, B, AB and O. What is blood? Right answer is it is a fluid connective tissue. Liquid part of blood is called as. Right answer is plasma. What is the color of blood plasma? Right answer is yellow. Color of blood plasma is yellow due to presence of pigment called. Right answer is bilirubin. In adult person where RBC is produced? Right answer is bone marrow. Name the smallest RBC. Right answer is musk deer. What is the other name of WBC? Right answer is leukocyte. What is the ratio of RBC ratio WBC? Right answer is 600:1. Name the largest WBC. Right answer is monocytes. Name the smallest WBC. Right answer is lymphocytes. Which type of blood helps in blood clotting? Right answer is blood platelets.
हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप ऑफ वुमन? राइट आंसर इज लैंडस्टीनर. नेम द विटामिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? राइट आंसर इज विटामिन के. नेम द नेचुरल एंटीकोगुलेटिंग एजेंट प्रेजेंट इन वुमन? राइट आंसर इज हेपरिन. What is the quantity of blood in human body? Right answer is 7 to 8% of body weight. How much less blood present in female as compared to male? Right answer is 0.5 liter. What is the shape of RBC? Right answer is biconcave. What is the shape of blood? Right answer. What is the state of blood? Right answer is viscous. RH factor was initially found in? Right answer is rhesus monkey. Filtering of blood through artificial kidney is called as? Right answer is dialysis. Name the fluid that is left after clotting. Right answer is serum. What is the main function of plasma? Right answer is transportation of digestive food, hormones and excretory product. What is the composition of plasma? Right answer is 90% water, 8% proteins and glucose, electrolytes and hormones. What is the meaning of ham in hemoglobin? Right answer is iron. Name the scientist who discovered blood circulation in human. Right answer is William Harvey. What is the meaning of globin in hemoglobin? Right answer is protein. Which disease is used by deficiency of hemoglobin? Which disease is caused by deficiency of hemoglobin? Right answer is anemia. Which disease is caused by excess of hemoglobin? Right answer is polycythemia. In newborn baby, RBC is produced at? Right answer is liver. Which type of blood cell shape is similar to amoeba? Right answer is WBC. Where formation of WBC occurs? Right answer is bone marrow and lymph node. Nucleus is dash in RBC. Right answer is absent. Nucleus is dash in WBC. Right answer is present. Nucleus is dash in blood platelets. Right answer is absent. What is the lifespan of WBC? Right answer is 5 to 20 days. What is the lifespan of platelets? Right answer is 3 to 5 days. What is the duration of clotting of blood? Right answer is 4 to 10 minutes. Why blood group O is called as universal donor? Right answer is because it does not contain any antigen. Why blood group AB is called as universal receiver? Right answer is because it does not contain any antibody. Name the process by which blood cells and platelets are formed in human body. Right answer is hemopoiesis and hematopoiesis. How many type of blood capsule? Right answer is 3. In how many type of blood group in human body? Right answer is 4. Which cell produces the antibodies? Right answer is WBC. Plasma without a clotting factor is called? Right answer is serum. What is called as abnormal rise in RBC count? Right answer is polycythemia. What is called as if number of RBC decreases? Right answer is erythrocytopenia. Which protein is present in hemoglobin? Right answer is globin. What is the color of leukocyte WBC? Right answer is colorless. What is called as rise in number of WBC? Right answer is leukocytosis. What is called as decrease in number of WBC? Right answer is leukopenia. What is called as increase in number of platelets? Right answer is thrombocytosis. Friends, मैं आपको बता दूं मेरे और भी YouTube channel है. अगर आपने maths पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स. यहाँ पे फ्रेंड्स मैथ्स की और रीजनिंग की कोचिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर फ्रेंड्स आपने इंग्लिश पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर. और फ्रेंड्स अगर आपने जीके पढ़ना है तो वो है रवि स्टडी IQ जीके. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा. आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको फ्रेंड्स दिल्ली आकर कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी. मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया और एक अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है. क्वेश्चन नंबर 80 का लेते हैं. विच डिजीज इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज? राइट आंसर इज हीमोफीलिया. क्वेश्चन नंबर 81. न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम? राइट आंसर इज बोन मैरो. What is called as decrease in number of platelets? Right answer is thrombocytopenia. How much blood is present in adult human body? Right answer is 4.5 to 5.5 liters. Which organ filters the blood in human body? Right answer is spleen. Maximum amount of sugar present in human blood in the form of? Right answer is glucose. Leukemia or blood cancer is abnormal increase of? Right answer is blood cancer, white blood cell or WBC. Which type of blood corpuscle is called a soldier of body? Right answer is white blood cell or WBC. Deficiency of which blood cells cause disease anemia? Right answer is RBC. Lymph is expressed as? Right answer is lymph is equal to blood minus RBC or plasma plus WBC. Question number 90. During pregnancy, rhesus incompatibility disease is called as? Right answer is erythroblastosis fetalis. Question 91. Which blood group does not contain any antigen? Right answer is blood group O. Question number 92. Which blood group does not contain any antibody? Right answer is AB. Next, how much blood flow through kidneys per minute? Right answer is 1200 cc. What is called as matrix of blood? Right answer is serum.
इन ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस विच कैटाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन इंटू एक्टिव थ्रॉम्बिन बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन इज राइट आंसर इज कैल्शियम Ca2+ और कैल्शियम आयन. इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज राइट आंसर इज इशेमिया. ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज बाय राइट आंसर इज डैमेज ब्लड वेसल एंड सराउंडिंग टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपरटेंशन इज टर्म्ड यूज्ड व्हेन राइट आंसर इज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RH इन RH फैक्टर राइट आंसर इज रेसेस. व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ प्लेटलेट्स राइट आंसर इज 120 डेज. विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन बॉडी राइट आंसर इज एड्रिनल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ WBC रेशियो प्लेटलेट्स इन ब्लड राइट आंसर इज 1:40. What is the lifespan of WBC? Right answer is 3 to 20 days. What is the lifespan of platelets? Right answer is 8 to 9 days. What is the storage life of donated red blood cell or RBC? Right answer is 35 to 42 days. What is the storage life of donated platelets? Right answer is 5 days. In our body, most of the blood found in, right answer is blood, traces of 0.2 milligram total gold found in body. Friends, I have asked you 107 questions. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 107 के 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी 107 ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स. यही क्वेश्चन है जो हर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो मैंने रिवीजन करवाया इसमें आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो गए होंगे. फ्रेंड्स आपको क्या करना है इस वीडियो को दो से तीन बार देखना है ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है मैंने आपको था कि जब मैं आपको 107 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन रिवाइज भी करवाऊंगा. उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है. टेस्ट का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्यूल. मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं एरिथ्रोसाइट. सेकंड ऑप्शन को मैं देता हूं ल्यूकोसाइट. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर. ऑप्शन दे देता हूं AB. सेकंड ऑप्शन दे देता हूं O. फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, GK की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की. मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फ्रेंड्स आपको दिल्ली आकर कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी. मतलब फ्रेंड्स जो भी पढ़ाया गया है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरे और भी YouTube चैनल है. अगर आपने फ्रेंड्स मैथ्स पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स. फ्रेंड्स यहां पे आपको मैथ्स की और रीजनिंग की फ्री कोचिंग करवाई जाती है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की. फ्रेंड्स अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है तो फ्रेंड्स आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पे आना पड़ेगा. ठीक है अगर फ्रेंड्स आपने पढ़ना है अगर आपने फ्रेंड्स GK पढ़ना है तो उसके लिए आपको बताइए रवि स्टडी IQ GK. मतलब फ्रेंड्स अगर आपने ये तीनों चैनल अच्छे से फॉलो कर लिए फ्रेंड्स आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और फ्रेंड्स अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम दिल्ली आएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा तो फ्रेंड्स आप ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो. क्योंकि फ्रेंड्स जो भी पढ़ाया गया है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है. फ्रेंड्स वही पढ़ाया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.